का हमारे नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास इनोवा क्रिस्टा आई हुई है। तो फ्रेंड, इसका हम लोग फुल डेंटिंग पेंटिंग करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए ये मिट्टी है, देखिए यहाँ पे डैमेज है। ये बम्पर आप देख सकते हैं, ये पूरा फटा हुआ है। रनिंग बोर्ड में डेंट है, लाइनिंग में देखिए डेंट है, ये देखिए यहाँ पे डेंट है। ये बम्पर आगे का पूरा फटा हुआ है, तो बम्पर को हम रिप्लेस करेंगे, क्योंकि बम्पर ये चलेगा नहीं। देख सकते हैं पूरा लाइट वाइट अंदर जा चुका है, ये पूरा मार लग चुका है, तो इसके लिए बम्पर हम इसमें रिप्लेस करेंगे आगे का। और हैंडल भी आप देख सकते हैं, तो सर हम उसको पॉलिश करके चेक करेंगे, पॉलिश करके अगर क्लीन हो जाएगा तो हम इसको यही रहने देंगे ना, तो कस्टमर से पूछेंगे रिप्लेस करना है क्या करना है। अभी तो फिलहाल हमें फुल डेंटिंग पेंटिंग का अप्रूवल आया है, ठीक है। ये देखिए बम्पर पूरा फटा हुआ है, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं इधर के सेंटर लाइनिंग में इधर भी मार है। ये दरवाजे में देख सकते हैं डेंट है, ये दरवाज़ा देख सकते हैं, ये दरवाज़ा देख सकते हैं, ये देखिए रनिंग बोर्ड पूरा अंदर जा चुका है। ये मरकर जो है पीछे का देखिए पूरा अंदर जा चुका है। ये रनिंग बोर्ड पे भी इधर इफेक्ट हुआ है। ये दरवाजे पे देख सकते हैं ये पूरा, ये देखिए पूरा गैप है, ठीक है फ्रेंड। तो हम इसका फुल डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, हम इसमें क्या क्या ओपन करेंगे, सबसे पहले तो हम चारों डोर का पुट्टा ओपन करेंगे, क्योंकि चारों डोर में डेंट है। और इसका जो फेंडर लाइनिंग गोला आता है उसको चार ओपन करेंगे, ताकि वो फेंडर लाइनिंग का जो डेंट है वो निकाल सके यहाँ से हाथ डालकर। ये यहाँ से हाथ डालकर नीचे गोला है, तो हमको गोला ओपन करना पड़ेगा इसको डेंट निकालने के लिए। और बम्पर भी ओपन करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले तो हम इसका जो भी पार्ट है सब ओपन करना चालू करते हैं। फिर ओपन करके आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या ओपन किया है करके, और उसके बाद से ओपन करके फिर डेंट करके, और उसके बाद हम पेंटिंग का काम चालू करेंगे। सबसे पहले तो हम जो भी चीज़ डेंट के लिए हमें चाहिए वो ओपन करते हैं, ओपन करके आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या ओपन किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम डोर का जो पैड है वो ओपन करना चालू कर रहे हैं। तो चारों डोर का पैड हम ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद फिर उसका डेंट करेंगे। इसमें जो टेल लाइट आता है नंबर प्लेट भी ओपन करेंगे, ओपन कर दिए है, ठीक है। डोर का चारों का जो आता है हम ओपन कर सकते हैं, ओपन कर दिया है। अब हमारा डेंटिंग का काम चालू है, देख सकते हैं। तो ये हमारा मरकट का डेंट का काम हो चुका है, थोड़ा डेंट का यूज हो चुका है, हमारा लेफ्ट साइड का डेंट हो चुका है, राइट साइड का डेंट बाकी है, तो हमारा राइट साइड का डेंट हो रहा है, आप देख सकते हैं। हम फाइनल डेंट हो जाने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे लामू कुर्सी का, जब हमारा काम चलेगा पेंटिंग का, ठीक है। तो हम इसमें इसका बम्पर ओपन किए, देखिए बम्पर हमने लाया हुआ है, देखिए इसका नया बम्पर है, इसका नया बम्पर है, देख सकते हैं। तो हम इसका बम्पर रिप्लेस करने वाले हैं, इसका जूना बम्पर है। ये बम्पर वम्पर फिट करके जब हमारा पेंटिंग का काम चालू होगा लामू कुर्सी का, तब हम आपको बताएंगे। देख सकते हैं ये जहाँ जहाँ सड़ा है वहाँ वहाँ वेल्डिंग करके उसको भरेंगे। तो जैसा कि आप लोग तो देख सकते हैं, हमने ये नया बम्पर फिट कर दिया है, इसका लाइन लेवल भी आप देख सकते हैं, एकदम पूरा फिनिशिंग है, देखिए थोड़ा भी अंदर बाहर नहीं है, ठीक है। हमने अभी टेम्परेरी फिट किया है, इसे पेंटिंग होने के बाद फाइनल फिट करेंगे। खाली हमने लाइन लेवल देखने के लिए, देखिए इसका भी लाइन लेवल देखिए, हेडलाइट का भी, ये बाकी का भी आप देख सकते हैं, ये देखिए फुल फिनिशिंग के साथ है। ये ग्रिल का भी आप देख सकते हैं, देखिए ये प्रॉपर एकदम सेंटर आया हुआ है इसका ग्रिल का। अगर थोड़ा भी लाइन लेवल में फ़र्क रहेगा तो आपका ग्रिल का जो बोल्ट है वो नहीं बैठेगा। ये ग्रिल का, सो ग्रिल का देखिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा डेंटिंग का फाइनल हो चुका है। हमने टायर और ओपन किया था, तो भी हम टायर और लगा रहे हैं, टायर लगा कर डाउन करेंगे इसको, ठीक है। हमारा टायर लगाना चालू है, उसका टायर लगा के डाउन करेंगे, और डाउन करने के बाद फिर हमारा जो पेंटिंग का काम है वो चालू होएगा। तो पेंटिंग का काम जब चालू होगा तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग सब फिनिशिंग, फिलहाल हमारा डेंटिंग का काम फाइनल हो चुका है। हम गाड़ी को डाउन करेंगे, जो हमने टायर वायर खोला था जैसे हाथ डाल के इसका डेंट करने के लिए, फिर दोनों व्हील ओपन किया था गोला खोलने के लिए, अभी हो चुका है।
होल फिटिंग भी हो चुका है, बॉफर भी लगा दिया है, अभी लामी पुट्टी का काम बाकी है। लामी पुट्टी जैसा करेंगे, जैसे जैसे स्टेप बाई लामी पुट्टी अस्तर पेंट मारना चालू करेंगे, वैसा हम स्टेप बाई आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं हमारा राइट साइड का लामी भरा जा रहा है, हमारा लेफ्ट साइड का कंप्लीट हो चुका है। अब इसे घस कर फिर इसका फिनिशिंग लाएंगे। ये देख सकते हैं ये जो ऊबड़ खाबड़ है, इसको ये सूखने के बाद इसको पॉलिश पेपर से घस के इसको पूरा फिनिशिंग करेंगे, जिस तरह हमने लेफ्ट साइड का किया है। ये देखिए लेफ्ट साइड का हमारा लामी पुट्टी पूरा भर दिया गया है और उसे घस कर फिनिशिंग भी कर दिया गया है, देख सकते हैं आगे से पीछे तक। ठीक है, इसी प्रकार से हम राइट साइड का भी करेंगे और उसके बाद इसे फाइनल करने के बाद लामी पुट्टी का जब हमारा काम हो जाएगा और पूरा फिनिशिंग हो जाएगा, उसके बाद इसके आगे हम क्या करेंगे वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये आज का हमारा दूसरा दिन है घसाई का। दो तीन दिन से हम ये घसाई कर रहे हैं। ये हमारा लेफ्ट साइड का पुट्टी भर कर घसाई करके फाइनल हो चुका है। अब राइट साइड का घसाई चालू है लाइन लेवल लाने के लिए। पुट्टी जो भरा है उसे प्रॉपर घस कर उसके बाद से फिर एक कोट हम इसके ऊपर मारेंगे। ठीक है, घसाई का काम फाइनल होने के बाद फिर हम पेंटिंग चालू करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड हमने आपको बताया था कि हमारा लामी पुट्टी का काम चल रहा है, तो देख सकते हैं हमारा लामी पुट्टी का काम पूरी तरह से फाइनल हो चुका है। अब हम इस पे अस्तर का कोटिंग मारने जा रहे हैं। देख सकते हैं चारों बाजू से हमारा पूरी तरह से फाइनल हो गया है। हमने लामी पुट्टी भर कर उसे घस कर फिनिशिंग ले लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्राइमर बनाया जा रहा है। देखिए ये कंप्यूटर प्राइमर है जो हम इस गाड़ी पे मारेंगे। सबसे पहले इस गाड़ी को हम प्राइमर मारेंगे और उसके बाद से फिर कलर मारेंगे। तो आपको प्राइमर मार के हम दिखाते हैं। अभी हमारा प्राइमर बन रहा है, जैसी बनता है वैसे आपको मार के दिखाएंगे। तो ये हमारा प्राइमर तैयार हो चुका है, देख सकते हैं गन में भी भरा जा रहा है। भरकर अब गाड़ी पे प्राइमर मारा जाएगा, आपको दिखाते हैं हम मारते समय। देख सकते हैं फ्रेंड, जहाँ जहाँ हमने लामी पुट्टी भरा था, जहाँ जहाँ डेंट था, वहाँ वहाँ जगह पे पूरा प्राइमर मारा जा रहा है। सब जगह पे जितने भी ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हो तो पूरा प्राइमर मार के लेंगे पूरी गाड़ी में। जिस प्रकार से इस लेफ्ट साइड में मार रहे उसी प्रकार से राइट साइड में भी मारेंगे। ठीक है, हमारा पूरा प्राइमर मार के हो चुका है। ये हमारा डिक्की भी हो चुका है, ये देखिए डिक्की में भी प्राइमर मार दिया गया है। ये हमारा राइट साइड का भी प्राइमर मारा जा रहा है, ये देखिए राइट साइड का भी मार दिया है पूरा। अब खाली हमारा बोनट बचा है, देखिए बोनट पे भी मार रहे हैं। तो ये हमारा प्राइमर मारने का काम कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद बचेगा कलर मारने का। तो हम आपको कलर मारते समय भी दिखाएंगे। तो ये प्राइमर मारने का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी फुल पेंटिंग हो चुकी है। इसका देख सकते हैं जो कलर का फिनिशिंग है, पूरी तरह से प्रॉपर पेंटिंग हो चुकी है। इसका बोनट देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड। इसमें पॉलिश करना बाकी है, तो हम पूरा जो भी सामान इसका ओपन किए थे उसको फिटिंग करके उसके बाद इसको पॉलिश करेंगे। पॉलिश करके फिर फाइनल करके आपको दिखाएंगे इसका फिनिशिंग। अभी आपको नॉर्मली हम दिखा रहे हैं कि हमारी गाड़ी मतलब पेंटिंग हो चुकी है। अब इसका हमने जो भी पार्ट ओपन किया था उसको फिटिंग करना चालू करेंगे। देख सकते हैं चारों आगे से। ठीक है फ्रेंड, तो इसका हमने जो टेल लाइट ओपन किया है, जो भी डोर का पुट्टा होता है देख सकते हैं, पुट्टा होता है, नंबर प्लेट व्लेट मिरर वीरर जो भी हमने ओपन किया है उसे सब फिटिंग करना चालू करेंगे और फिटिंग करके आपको दिखाएंगे। फिर इतना सारी चीज़ें हमने ओपन करके इधर रखती है। चारों डोर का पुट्टा है, इसका टेल लाइट है, डिक्की का टेल लाइट है, मरकर का टेल लाइट है, डिक्की का बिडिंग है, जो भी चीज़ हमने देखी है, दोनों मिरर है, इसका दोनों मिरर का भी कलर हमने मार के रखा है। ये देखिए दोनों मिरर का जो कवर आता है वो भी हमने कलर मार के रखा है, इसको भी हम फिट करके फिटिंग करेंगे। तो अब हम इसकी सारे जो भी चीज़ें ओपन किए थे उसको फिटिंग करते हैं और फिटिंग करके फाइनल करके फिर आपको पॉलिश करके एक बार दिखाते हैं। हम फिटिंग कर रहे हैं, इसका मिरर भी हमने फिट कर दिया है। ये देखिए राइट साइड का मिरर भी हमने फिट कर दिया है। इसी प्रकार से हम चारों डोर का पुट्टा फिटिंग करेंगे। हमारा
बाकी अभी तीनों डोर का पैड बाकी है। देखिए सिर्फ एक ही साइड का राइट साइड का लगा हुआ है और लेफ्ट साइड का हमारा मिरर भी बाकी है, तो हम लेफ्ट साइड का भी मिरर और बाकी तीन जो डोर फुटा है, जो डोर पैड बोलते हैं जिसको, वो फिटिंग करेंगे। डिक्की का भी हमारा डोर पैड बाकी है, देखिए। ठीक है फ्रेंड, तो पूरी तरह से ये जितने भी चीज़ें हमने ओपन किया है उसको पूरी तरह से फिटिंग कर लेते हैं और फिटिंग करके फिर फाइनल करके हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का भी मिरर फिट हो रहा है, देखिए। इसी प्रकार से हम इसका डोर पैड भी लेफ्ट साइड का फिट करेंगे। इसका टेल लाइट भी देखिए हमने लगा दिया है, पीछे का दोनों टेल लाइट। ये देखिए इसका बम्पर है, इसमें फॉग लाइट जो आता है हमने ओपन किया है क्योंकि ये नया बम्पर हमने डाला है इसमें। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो भी ग्रिल व्रिल है पहले हम इसको फिटिंग करेंगे, फॉग लाइट जो है उसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद बम्पर को फाइनल करने के बाद फिर हम बम्पर को लगाएंगे। व्हील है जो हमने पेंटिंग के लिए लिया है, इसका चारों टायर ओपन करके और उसके बाद इसको पेंटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी का पेंटिंग फाइनल हो चुका है, इसका सिर्फ रिम बाकी था पेंटिंग करने के लिए। तो देखिए इसका पाँचों मैक व्हील है, देखिए स्टेपनी व्हील का भी जो आता है वो भी पेंटिंग कर रहे, देखिए। ठीक फ्रेंड, तो इसको पेंटिंग करेंगे अच्छे से, पेंटिंग करके और उसके बाद इसमें फिर टायर फिट करके फिर गाड़ी में फिट कर देंगे। देखिए हमने टायर ओपन करके इसका पेंटिंग कर रहे हैं, बाकी सारे लोग रहते ऊपर ऊपर इसको कलर मार देते हैं, हम ऊपर ऊपर नहीं कर रहे। इसका चारों टायर हमने रिम से ओपन किया है और उसके बाद इसको फुल पेंटिंग करेंगे अच्छे से, फिर इसके बाद इसका टायर फिट करेंगे। ये हमारा इनोवा क्रिस्टा का है, पाँचों मैक व्हील है, देख सकते हैं। एक यहाँ पे पड़ा है, दो तीन, ये चार, ये पाँच। तो ये हमारा रिम भी देख सकते हैं, पेंटिंग होके हमने इसमें टायर फिट करके असेंबली कर दिया है, देख सकते हैं हमारा पेंटिंग हो चुका है। अब फिटिंग कर रहे हैं गाड़ी में चारों टायर। इनोवा क्रिस्टा का रिम हमने पेंटिंग के लिए ओपन किया था, ये देखिए चारों रिम इसका, देखिए देखिए किस तरह से शाइनिंग मार रहा है मैक व्हील इसका। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम इसका टायर फिट कर रहे हैं, टायर फिट करके डाउन करेंगे और डाउन करके इसको वॉशिंग में लेंगे, वॉशिंग क्लीनिंग पूरा अच्छे से करके और उसके बाद इसको पॉलिश करेंगे। तो ये हमारी इनोवा क्रिस्टा गाड़ी देखिए पूरी तरह से वॉश हो चुकी है, अब इसमें पॉलिश का काम चालू है, देखिए पॉलिशिंग हो रहा है। जैसे ये पॉलिश हो जाएगा पूरी तरह से, देखिए इसे पॉलिश मारा जा रहा है। जैसे पॉलिश का काम फाइनल हो जाएगा तो फिर से इसको अंदर लेकर अच्छे से पूरा साफ करके पोंछ के और उसके बाद इसका इंटीरियर थोड़ा पॉलिश कर देंगे। इंटीरियर पॉलिश करके हमारा पेंटिंग भी फाइनल हो चुका है, वॉश भी हो चुका है, सिर्फ इसे पॉलिश करना है। ये देखिए हमारा पॉलिश मशीन, ये देखिए इसमें रबिंग लगाया गया है और रबिंग लगाकर इसको पॉलिश करेंगे, पॉलिश करके जो ये रफ है उसको स्मूथ करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमारा पॉलिश का भी काम चालू है, देखिए इसी प्रकार से पूरे बॉडी पर जितनी फुल गाड़ी है पूरे गाड़ी पर इसी प्रकार से पहले रबिंग लगाकर मशीन चलाया जाएगा और मशीन चलाकर उसे साफ करके और उसके बाद पॉलिश लगाकर उसे घस कर इसका शाइनिंग लाएंगे। तो ये गाड़ी का जो हमारा पेंटिंग का काम था वो पूरी तरह से फाइनल हो चुका है, देख सकते हमने इसको वॉश करके पूरी तरह से पॉलिश भी कर दिया है। टायर पर देख सकते पॉलिश हमने मारा है, जितने ब्लैक आइटम है इसमें सारे पॉलिश कर दिए। देखिए ये वाइपर का जो जाली आता है, देखिए कॉल पैनल का जो पतरा है उसको पूरा हमने पॉलिश मार के रखा है। इंटीरियर आप देख सकते हैं, ये देखिए इंटीरियर, देखिए इसका कितना लाइट शाइनिंग मार रहा है। इंटीरियर दिखाइए, देखिए इंटीरियर देखिए, पूरा इंटीरियर हमने पूरी तरह से पॉलिश करके रखा है फुल फाइनल पेंटिंग होने के बाद। आगे पीछे चारों देख सकते हैं, देख सकते हैं हमारा इंटीरियर। ये हमारा पीछे भी देख सकते हैं पूरी तरह से हमने क्लीन करके रखा है, साइड का जो भी फुटा जितना भी ब्लैक पैड आता है देखिए पूरा पॉलिश हमने मार के रखा है, जितने भी ब्लैक चीज़ें थे इसमें पूरा हमने पॉलिश किया इंटीरियर में दोनों साइड के। देखिए
टेल लाइट का ब्लैक पट्टी देखिए, इसको भी इंटीरियर पूरा पॉलिश मार के रखा है। इधर का भी टायर देखिए, चारों टायर को हमने पूरा पॉलिश मारा है। देखिए हमने इसका इंजन डिपार्टमेंट भी पूरी तरह से क्लीन किया है। इंजन डिपार्टमेंट आपको दिखा दीजिए, इंजन डिपार्टमेंट में हमने पूरी तरह से वॉश करके इसको जो भी ब्लैक चीज़ें आती है जितने पूरी पॉलिश करके रखी है। देखिए आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कॉल पैनल का पत्रा भी कितना लाइट मार रहा है। देखिए हमने पूरा इंटीरियर पॉलिश करके रखा है इसको। काम का कुछ डिटेल था कि हमारे पास डेंटिंग पेंटिंग का काम किस तरह से होता है और डेंटिंग पेंटिंग में हम क्या क्या काम करते हैं और किस तरह से उसको वॉश करते हैं, इंटीरियर क्लीनिंग करते हैं, फुल पेंट करने के बाद पूरी गाड़ी को पूरी तरह से पॉलिश करके इंटीरियर क्लीनिंग करके और उसके बाद ही हम कस्टमर को देते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था। अगर आप लोग के वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।